आज उनसे निवेदन है कि वो जन दृष्टि फरमाओ पंडाल में, ताकि हम हमारा प्रोग्राम बहुत जल्द शुरू करें। परम सम्मानित आदरणीय मंच, युवा जिससे जुड़ रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। सीधे आप संवाद करो, सीधे आप इस प्रोजेक्ट से जुड़ो, ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। और आज जो कार्यक्रम है इसके लिए आजाद को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और आप इसी तरह आगे बढ़ो। हम आपके साथ 7030390 ये नंबर राहुल गांधी जी की सोच से एक अभी प्रोग्राम चल रहा है शक्ति, इसके अंदर आप अपने वोटर आईडी के नंबर में वाहन रैली और युवा समाज के इस कार्यक्रम, युवा कर्मक और हमारे कांग्रेस का भविष्य सम्मानित मंच और पधारे हुए इस पांडाल में माला पहना करके मेवाराम जी गणेश साहब को हम स्वागत करेंगे। आपका जय जय। कांग्रेस का कारवा है, ये तय है कि लोग जुड़ते जाएंगे, कारवा बनता जाएगा और तालियां। कम से कम 10 सालों से विजयचंद जी की नाम से जो बस स्टैंड बना हुआ है उसमें मूर्ति लगने का प्रस्ताव था, पर आज तक वो मूर्ति नहीं लगी है। सबसे पहले मैं आप लोगों से समर्थन मांगता हूँ कि वो मूर्ति वहां लगनी चाहिए और उसके लिए मैं संघर्ष करूंगा। आप लोग तैयार है या नहीं है? तो अगले 7-8 महीने विजयचंद जी की मूर्ति लगवाने के लिए बस स्टैंड पे मैं अपना हर संभव प्रयास करूंगा और आप लोगों से पूरा समर्थन चाहता हूं कि ऐसा हो। 6-7 महीने में नहीं होता है तो ये मान के चलिए कि 8-9 महीने 10 महीने में जो हमारी सरकार होगी तब तो ये होना तय है। कम से कम 10 सालों से विजयचंद जी की नाम से जो बस स्टैंड बना हुआ है उसमें मूर्ति लगने का प्रस्ताव था, पर आज तक वो मूर्ति नहीं लगी है। सबसे पहले मैं आप लोगों से समर्थन मांगता हूँ कि वो मूर्ति वहां लगनी चाहिए और उसके लिए मैं संघर्ष करूंगा। आप लोग तैयार है या नहीं है? तो अगले 7-8 महीने विजयचंद जी की मूर्ति लगवाने के लिए बस स्टैंड पे मैं अपना हर संभव प्रयास करूंगा और आप लोगों से पूरा समर्थन चाहता हूँ कि ऐसा हो। 6-7 महीने में नहीं होता है तो ये मान के चलिए कि 8-9 महीने 10 महीने में जो हमारी सरकार होगी तब तो ये होना तय है। दूसरा, आज से कम 5 या 6 साल पहले माता रोड पर एक छोटे सर्किल का निर्माण हुआ है, उस सर्किल का नाम प्रस्तावित है बाबू जी महाराज के नाम से। मूर्ति लगाना भी प्रस्तावित था पर मूर्ति अभी तक नहीं लगी है। मैं आप लोगों का समर्थन चाहता हूं कि हम लोग संघर्ष करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि बाबू जी महाराज की जो मूर्ति वहां लगनी थी वो मूर्ति वहां पर लगे। बाबा से, मिथिला से, उनका से जो मेरे युवा साथी बता रहे हैं, खास करके मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप वक्त है इस पर बात की जाए। ऐसा क्यों है कि जब कोई चीज प्रस्तावित है इसके बावजूद उस पर काम नहीं हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है? मैं आप लोगों से समर्थन चाहता हूं इस मुद्दे पे कि हम लोग अगले समय में वो मूर्ति वहां पर लगे और हम लोग सब उस मूर्ति को गर्व कार्यक्रम में शामिल हों। मैं अभी कुछ अपने मित्रों से मिला लगातार कुछ समय से, कल मैंने उदयनंद साहब को भी निवेदन किया था कि हाथमा में और दौड़ा में मेरे कुछ युवा साथी अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं, पर पिछले लंबे समय से उन्हें किसी तरह की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये क्या बात है? भूखे पेट सो सकते हैं पर बिना इज्जत के नहीं सो सकते। आप पहले हमारे आप में सम्मान की बात कीजिए। आप हमें रोटी देंगे, आप हमें नौकरी देंगे, आप हमें राशन देंगे, मान लिया, कोई पता नहीं कब देंगे, उससे पहले आप हमारे आत्मसम्मान की बात कीजिए, हमें इज्जत दीजिए। हम लोगों ने आपसे क्या मांगा है? दौड़ा के और मेरे जो आत्मा के युवा साथी हैं, यहाँ काफी संख्या मौजूद हैं, उन्होंने आपसे क्या मांगा? सिर्फ इतना ही तो मांगा है कि एक अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगाने की हमें इजाजत दीजिए। और मजे की बात, वो कलेक्ट्रेट जिसका अस्तित्व ही
उस संविधान से जो अम्बेडकर साहब ने बनाया है को इजाजत देने की मंजूरी नहीं दे रही है। मैं चाहता हूं कि अगले 6-7-8 महीने में उसकी इजाजत मिले और वो मूर्ति हम वहां लगाएं। और काम खोल के सुन लेंगे सरकार कि जब हुआ तय करता है तो वो करके रहता है। मैं अभी कुछ समय पहले मेरे कुछ मिलने जो लोग आपकी तरफ उंगली उठाते हैं, आपकी सोच को गलत बोलते हैं, आपकी विचारधारा को गलत बोलते हैं, उन भाजपाई मानसिकता वाले लोगों पर चोट करने का अब समय है और ये समय अब टूटना नहीं चाहिए। पिछली बार हमने भूल गई, हमारे लोगों से भूल हुई, इस बार ये भूल हम नहीं दोहराएंगे।